नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ललितपुर ज़िले का इतिहास तथा ज़िले के वर्तमान से संबंधित कुछ ज़रूरी बातों से रूबरू कराने जा रहे हैं। इसी वीडियो के अंतिम सफ़र में हम आपको ललितपुर ज़िले में स्थित तमाम ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थानों की सैर भी कराने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भविष्य के सभी वीडियोज़ को आसानी से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश में स्थित ललितपुर जिले का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इस जगह का जिक्र रामायण के साथ साथ महाभारत में भी हुआ है। यही नहीं, इस क्षेत्र का उल्लेख यज्ञ पुराण, विष्णु पुराण और वराह पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। विभिन्न कालखंडों में इस क्षेत्र पर अलग अलग वंशों के राजाओं ने राज किया। मध्यकालीन इतिहास में यह क्षेत्र मुगल, बुंदेल तथा मराठा शासकों के अधीन भी रहा था। 17वीं शताब्दी से पहले ललितपुर चंदेरी राज्य के अधीन हुआ करता था, लेकिन बुंदेला राजपूतों ने इसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। 18वीं शताब्दी में चंदेरी राज्य का अधिकांश भाग बुंदेलों और मराठा शासकों के अधीन हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र का नाम बुंदेल राजपूत राजा सुमेर सिंह ने अपनी धर्म पत्नी ललिता देवी के नाम पर ललितपुर रखा था। सन 1811 में ललितपुर की पावन धरती पर एक बार फिर से शासन सत्ता बदली और यह क्षेत्र ग्वालियर के राजा दौलत राव सिंधिया के कब्जे में चला गया। 1844 में चंदेरी समेत समस्त ललितपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने चंदेरी को जिले का दर्जा दिया और ललितपुर को इसका मुख्यालय बना दिया। 1858 के बाद अंग्रेजों ने ललितपुर को झांसी में शामिल कर दिया और भारत की आज़ादी के बाद सन 1974 में ललितपुर को एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। वर्तमान समय में यह जिला झांसी मंडल का एक हिस्सा है तथा ललितपुर शहर में जिले का मुख्यालय स्थापित किया गया है। ललितपुर मध्य प्रदेश राज्य से लगभग पूरी तरह घिरा हुआ है। पूर्व में छतरपुर जिला और टीकमगढ़ जिला, दक्षिण में सागर जिला और पश्चिम में अशोकनगर जिला तथा शिवपुरी जिला तथा ललितपुर के उत्तर में उत्तर प्रदेश का झांसी जिला पड़ता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में बसा हुआ ललितपुर जिले को बांधों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 14 बांधों से ज्यादा बांध बनाए गए हैं। गोविंद सागर बांध, राजघाट जैसी बड़ी परियोजनाएं इसी जिले में स्थित हैं। ललितपुर जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 5040 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में है। यहाँ फैली हुई विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं पर तमाम प्रकार के खनिज संपदाएं प्राप्त की जाती हैं। यहाँ मौजूद जंगल, झाड़ी, नदी, तालाब ललितपुर को प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करते हैं। वेतवा नदी जिले की उत्तरी सीमा का निर्माण करती है और इसे झांसी से अलग भी करती है। वेतवा नदी जिले की पश्चिमी सीमा पर बहती है। इसके अलावा जिले में जामनी, सजनाम, नरेन, शहजाद, चक्र और धासान नदियां भी प्रवाहित हो रही हैं। ललितपुर जिले की अर्थव्यवस्था पूर्णतया कृषि, पशुपालन तथा मछली पालन पर ही आधारित है। जिले में 5 तहसीलें ताल बेहट, ललितपुर, पाली, महरौनी और मड़ावरा हैं, जो 6 विकासखंडों में बांटे गए हैं। ताल बेहट, जखौरा, बिरधा, बार, महरौनी और मड़ावरा। ललितपुर जिले में 2 विधानसभा सीट ललितपुर और महरौनी हैं, जबकि जिले की दोनों विधानसभाएं झांसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या लगभग 12.5 लाख सर्वे की गई थी, जो वर्तमान में एक अनुमान के मुताबिक लगभग 19 लाख तक पहुंच चुकी है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 7 लाख पुरुष तथा 5.5 लाख महिला जनसंख्या थी। जिले का लिंगा अनुपात 906 के करीब है, अर्थात यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 906 महिलाओं की संख्या है। धार्मिक जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू 95.27% तथा मुस्लिम जनसंख्या मात्र 2.76% के करीब है। जिले में बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी, बुंदेली और उर्दू हैं। ललितपुर जिला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों का एक केंद्र है। यहाँ गुप्त काल से लेकर 18वीं शताब्दी तक विभिन्न धार्मिक पर्यटन स्थल और मंदिर और तमाम ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल भी मौजूद हैं।
जो ललितपुर के गौरवशाली इतिहास का बखान आज भी करते हुए नजर आते हैं। आइए वीडियो के अंतिम सफर में हम आपको ऐसे ही स्थानों की शेयर कराते हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत आनंद आएगा और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। राजघाट बांध। बेतवा नदी पर बना यह डैम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। लगभग 44 मीटर ऊंचे और 12 किलोमीटर लंबे इस बांध की आधारशिला भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1971 में रखा गया था। सिरोन खुर्द। पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस स्थान पर आप गुप्तकालीन और हिंदू जैन मंदिरों के अवशेष देख सकते हैं। तालबेहट किला। झांसी ललितपुर मार्ग पर स्थित इस किले का निर्माण 1850 में राजा मर्दन सिंह ने करवाया था। देवगढ़ तीर्थ। देवगढ़ किले के अंदर बने 31 जैन मंदिर जैन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। जैन तीर्थकर शांतिनाथ को समर्पित मंदिर यहाँ का सबसे मुख्य आकर्षण है। महावीर स्वामी अभयारण्य। 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला यह क्षेत्र ललितपुर जिला मुख्यालय से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर बेतवा नदी के किनारे देवगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। यहाँ आप प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ तरह तरह के जीव जंतु और जानवर भी देख सकते हैं। नीलकंठेश्वर मंदिर पाली। भगवान शिव जी को समर्पित यह मंदिर ललितपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में पाली कस्बे में स्थित है। यहाँ स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव जी की काले पत्थर से निर्मित एक त्रिमुखी प्रतिमा स्थापित है, जिसका निर्माण 10वीं सदी में चंदेल शासकों ने करवाया था। मुचकुंद की गुफाएं। रणछोड़ धाम मंदिर। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह प्राचीन मंदिर यूपी और एमपी की सीमा पर बेतवा नदी के किनारे स्थित है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार कालेवन नामक राक्षस का वध भगवान श्री कृष्ण ने यहीं किया था। यह स्थान ललितपुर जिले का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। दशावतार मंदिर। ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में किया गया था, इसलिए इस मंदिर को उत्तर भारत का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। जैन मंदिर। दशावतार मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर 31 मंदिरों का एक समूह है। यह पूरा मंदिर देवघर किले के अंदर ही स्थापित है। ललितपुर जिले में देवगढ़ एक ऐसी जगह है जहां सैकड़ों ऐतिहासिक, पुरातात्विक व दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। इसे बेतवा नदी का आइसलैंड भी कहा जाता है। देवगढ़ कभी गुप्त वंश, गुर्जर वंश, प्रतिहार वंश, गौड़ वंश तथा मुस्लिम शासकों के अधिकार में भी रहा था। 8वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यह स्थान जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ 200 अभिलेख, तमाम मूर्ति और मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो हजारों साल पुराने बताए जाते हैं। बिखरी हुई मूर्तियों को म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। पुरातत्व की दृष्टि से देवगढ़ ललितपुर जिले में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्थान है, इसलिए यदि आप ललितपुर जाते हो तो आपको देवगढ़ जरूर जाना चाहिए। देवगढ़ में ही आपको सुंदर मनमोहक पेड़ पौधे और जंगल के दर्शन भी हो जाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।